अस्सलाम सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू ब्लॉग में हो गया है। नेक्स्ट वीडियो गाइस आ गए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग मेहंदी ब्लॉग के साथ में। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखी होगी कि मेरे मेहंदी आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो फाइनली वो आ गए हैं और वो लोग खुद ही कौन बनाते हैं जिसके आप लोग को पता है, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखो ये कौन इसमें मेहंदी भरे है बनाकर, ये भी पन्नी ऐसे उन्होंने शेप दिए और फिर उसके बाद में फिर अभी हाँ मम्मा। और यहाँ पे मुस्तजा बैठा है परेशान करते हुए, क्या हुआ मुस्तु? खाना। हाँ मखाने को खाना बोल रहे हो। सो गाइस ये देखो यहाँ पे इतनी सारी उन्होंने कोन बनाए हैं, तो बस अभी लगाना स्टार्ट करेंगे थोड़े ही टाइम में, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या लगाना है। कैसा चाहिए आपको मेहंदी? मुझे बस अच्छी लगाओ। देखो पहले मैं यहाँ पे बेबी शावर करके लिखूंगी, बलून्स डालूंगी आगे और बच्चे का क्लोथ वगैरह डालूंगी और यहाँ पे लिखूंगी मम्मी को भी और वो हाथ में डैडी का डालूंगी, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। हाँ तो गाइस हम लोग ये ऐसे ही लगाने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी राशिद आया है, एक मिनट का मैंने उसको बुलाई थी कि मुस्तजा को मैं मम्मी क्या भेज दूँ क्योंकि मुस्तजा बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। कहाँ जा रहे? मॉम नहीं नन्ना नन्ना नन्ना। तो चलो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे ये कर्सियों में बेबी लिख रहे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं बोली चलो आप लोग के साथ में भी शेयर करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे पैर पे लगाना भी स्टार्ट हो चुकी है मेहंदी। एक साइड यहाँ पे मेरा ये स्टार्ट है और दूसरे साइड मेरा ये स्टार्ट है, कैसा फिर जल्दी हो जाएगा। गाइज़ यहाँ पे अभी बेबी का फ्रॉक बना रहे हैं, मेरे हाथ में कितना प्यारा लग रहा है ये देखो गाइज़। गाइज़ बस रेडी रहो आप लोग मेरा लास्ट लुक देखने के लिए, मेरी मेहंदी का बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, माशाल्लाह ज़रूर बोलना गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा एक पैर कंप्लीट हो चुका है, साइडों का बाकी है थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे मेरा एक हाथ कंप्लीट हो चुका है। कैसा लग रहा है गाइज़ आप लोग बताना, बाकी फुल लुक मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। ये मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है और दूसरे पैर में भी एक हाथ मेरा आगे का कंप्लीट हो गया है, और अभी दूसरा जब तक कि ये सूखेगी तब तक के मेरा ये लग जाएगा और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, अभी खाना भी खाना है और पैर की भी मेरी मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है दोनों। अभी पैर का हो जाए, पैर का तो कंप्लीट है, बस पीछे थोड़ा सा लगाना बाकी है और थोड़ा साइड में जैसे वो भरते उंगली ऐसा भरते ना वैसा साइड में भरना है बस। सो गाइस यहाँ पे अभी मेरा दूसरे हाथ का भी हाफ हो चुका है, यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं बेबी तो यहाँ पे लिखे हैं शावर, क्योंकि एक हाथ में तो इतना बड़ा आएगा नहीं। फिर यहाँ पे उन्होंने गर्ल का ड्रेस बनाया है, ये वाले हाथ में बॉय का ड्रेस बनाया है और फिर अभी वो मेरा और काशिफ का नाम लिख रहे हैं हाथ में। तो गाइस आप लोग को इंटरेस्टिंग मेरी मेहंदी लग रही है या नहीं लग रही है आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना, और फिर अभी ही बता देना हाँ इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं, क्योंकि फिर आगे जाके आप पूरी मेहंदी देखोगे फिर उसके बाद में उसका रिव्यू देना। मैम आ गए हैं स्कूल से काम करके और यहाँ पे आके मैम मेरे को खाना खिला रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये काम बचा है मेरे पास अभी, इसने मतलब इतना काम कर गई और इसने बोलती मेरे को जल्दी से पहले खाना खिला, बहुत भूख लगी है। मैं बहुत देर से मैम का इंतजार कर रही थी, मैम आएंगे तो मैम मेरे को खाना खिलाएंगे। बहन बोलिए तो उसका फर्ज निभाना पड़ता है, खुदा की देख के तो खुश होगी। खुदा की तो बहुत देर तक मेरी बात हुई, कल ही बात मेरे को कॉल की थी, पर मैं जब ये वाला हाथ चालू हुआ ना तो रखी, तो मेरे को कॉल की थी पर मैं बहुत बिजी थी ना तो नहीं उठा पर बोले मैं इसको खिला लेती हूँ फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। हाँ कैसा तो वो तो मेरे मालूम अच्छा ही बनेगा, बस थोड़ा तीखा होगा वो मेरे को मालूम, ये तीखा खुशू कर रही है तो मेरे को कितना तीखा लगेगा मैं सोच रही हूँ। मैम तीखा नहीं खाते हैं, बस ये मेरी कमजोरी है, पर क्या कर सकते हैं। मैं छह मिर्ची डाली चढ़ा, मैंने तो तीन ही डाल दी थी तू बैठक मैम तो डालते ही नहीं, नहीं नहीं डालते, तीन डाल दी थी चल मिर्ची नहीं डालती है पैसे तो मैम खाना लाए थे ना उसमें एक मिर्ची नहीं दिखी ना, तो पीस के डाली थी ना मसाला, सॉरी आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट सॉरी।
तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी कि मेरा फाइनल लुक जब हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग ये बताओ कि कैसा लग रहा है ये वाला हाथ। ये देखो मेरे पैर में ऑलमोस्ट डन है, बस यहाँ के साइड के, बाकी ये वाला तो एकदम मेरा दुल्हन की तरह ही पैर लग रहा है, मस्त एकदम लग गई है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे पीछे लग रही है मेहंदी, तो जैसे भी होगा यहाँ पे बेबी के पैर बनाए छोटू छोटू से। मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस मैंने आप लोगों को बोली थी कि मेरी मेहंदी लग जाएगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी मेहंदी लगने के बाद एकदम फाइनल लुक। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लेट गई, बैठे बैठे आड़ा टेढ़ा इधर उधर इधर हो, क्या ये हुआ कि नहीं चलो अंदर बेडरूम में जाके बैठते और फिर लगाते, और मैं लेट गई। और फिर उसके बाद में ये देखो मेरा फ्रंट डिज़ाइन, जो कि अभी आप लोग को इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, बैक में अभी अभी लगी है तो कुछ निकला नहीं है, ये आप लोग देखो। और अगर आप लोग को देखना है कि ये प्रॉपर कैसी लग रही है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देखना है, मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। और मेरी पैर की डिज़ाइन, सो गाइज एकदम दुल्हन लग रही हूँ क्या? नहीं दुल्हन, मेरे को तो दुल्हन वाली फील आ रही है, तो आप लोग भी बताना एकदम दुल्हन की तरह मेरी मेहंदी लग गई है। बस बेबी ऑन बोर्ड गाइज, दुआ करो कि सब कुछ अच्छे से होए, बेबी शावर अच्छे से हो जाए और फिर उसके बाद में सब चीज़ें अच्छे से हो। बस यही डर की वजह से हम कल डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि 7 मंथ पे पेट में लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, यही डर की वजह से मैं गई थी, क्योंकि मेरे पेट में दुख रहा था, कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, ये वजह से मैं गई थी। तो बाकी तो आप लोग सब कुछ देख ही चुके हो, चलो मिलते हैं बाद में जब ये सब कुछ सूख जाएगा। यहाँ पे अभी काशिफ की और नाज मम्मी की जंग चालू है, हाँ ये दोनों अभी लड़ रहे हैं, हदीस के ऊपर कुछ बातें कर रहे हैं। हदीस के ऊपर कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती है, हदीस के ऊपर लड़ाई नहीं रहेगी, यानी जिसको नहीं मालूम है वो बताना पड़ता है, और मालूम है तो अपन, नहीं मालूम है तो चुपचाप बैठ। राइट, पूरी दुनिया में ना रसूल अल्लाह से अच्छा कोई ना आया ना कभी आया। सो गाइस मेरा बेडरूम इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। और कल सब लोग आने वाले हैं, मेरी मेहंदी तो लग गई है और फिर मैंने निकाल भी दी, तो मैंने ये सोचा है कि मैं पूरा घर एक बार क्लीन कर दूँ, क्योंकि सब आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना गाइस। तो मैंने मेरी न्यू बेडशीट निकाली हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने बेडशीट ऑर्डर करी, मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखे होंगे। तो चलो हम लोग सब कुछ सेट करते हैं, क्योंकि अभी इतना गंदा गंदा देखे देखे ना ऐसा गुस्सा आ रहा है ना पूरा घर देखने के लिए, तो हम लोग इसको पूरा सेट करेंगे। आपको दिखाई हूँ आफ्टर भी मैं आपको दिखाऊंगी गाइज, क्योंकि ये देखो ये मुस्तजा के कारस्तानी है गाइज, उसको मैंने सुबह में हम जो ड्राई फ्रूट खा रहे थे तो वो सब मुस्तजा ने, उसके बाद में मैं ये सब करने के लिए लग गई थी मेहंदी लगाने के लिए, तो मुझे कुछ करने नहीं मिला, तो वही सब ऐसे ही पड़ा है। तो हम लोग फटाफट से गाइज, ये मुस्तू का मेरे कंबल कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइज जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से हमारे घर में ये झाड़म झाड़ी हुई नहीं है, बस जो हुआ था वो हुआ था। तो अभी हम लोग सब जाले वाले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है घर, इसके अच्छे से साफ सफाई करके फिर इसके बाद में हम मिलते हैं। सो गाइज मेरा बेडरूम साफ हो चुका है, मेरा बेड एकदम मस्त, हम लोग ने यहाँ पे जो इतने सारे मेरे पास रखे थे वो सब मैंने ऊपर ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वो जब सब हर थैली शवा की वो कचरे में डालने की है, वो इसलिए मैंने ऊपर रख दी, क्योंकि यहाँ पे नीचे थोड़ा क्लीन बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो हम लोग ने पूरा सेट कर दिए है। और ये देखो मुस्तजा, ये देखो इसको इतना मारूंगी मुस्तो, शबू मेरा पर्स मेरा पर्स उससे उठाया नहीं जा रहा, लेकिन खींच के ऐसा लेके जा रहा है, वो एक डाउट लग लग लो करके भरी हुई थैली, डायपर की थैली उठा के दे रहा है, तुम बिगाड़ो, तुम उसको बिगाड़ो। अरे मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा आ जाओ मुझसे जल्दी, दादा के पास आओ, मम्मा क्या बोल, जल्दी आओ, पप्पी दे दो, पहले पप्पी दो आके, आ जाओ मेको दो पहले, क्या कौन क्या किया तुमको, बोलो नो मम्मा, मम्मा नो, आप जाके मम्मा को पप्पी ले लो। और गाइस आप लोगों को एक चीज बता दीजिए थी, मम्मा मारो मम्मा मारो।
मारो, मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं उसको मारू, लेकिन काशी तुम गेम खेलते हो, तुम उसको भी मम्मा बोलते हो, तुम मेरे को भी मम्मा बोलते हो, ठीक है? तो गाइस चलो मिलते हैं बाद। ये मेरे बेडरूम का फाइनल लुक, एकदम मस्त हम लोग ने चकाचक कर दिए, साफ कर दिए।